Alright students, in this video we are going to talk about a very specific issue, that is जो NTA का दो attempts मिल रहे हैं आपको, January और April attempt, उसमें से कौन से attempt के ऊपर आपको focus करना चाहिए. Right, there is a lot of confusion जो मैं इस video में clear करना चाहूँगा कि आपको दोनों attempts को किस तरीके से measure करना चाहिए, कौन सा कितना priority पे रखना चाहिए. That is what we are going to talk about in this particular video. Alright, let's start the video. ओके तो दोस्तों, जैसे हमें पता है कि एनटीए इस बार दो बार पेपर ले रहा है, जनवरी में भी और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी अप्रैल में भी. तो पहली बात जो क्लियर कर देनी चाहिए वो ये है कि आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं, चाहे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकेंड अटेम्प्ट है या थर्ड अटेम्प्ट है, आप दोनों अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल है और उसमें जो बेस्ट स्कोर होगा आपका वो लिया जाएगा. सो डू नॉट वरी अबाउट, डेफिनेटली यू हैव टू टेक बोथ दी अटेम्प्ट्स, राइट. दोनों अटेम्प्ट लो जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो. यही पर्पस था एनटीए का देने का कि यार अगर सिर्फ एक बार बच्चा पेपर देता है और गलती से अगर उसका वो पेपर खराब हो जाता है तो उसकी पूरी लाइफ आगे तक इम्पैक्ट होती है. दैट इज व्हाई दे सेड कि यार बच्चे को एक से ज्यादा बार अटेम्प्ट मिलना चाहिए अपना कैरियर बनाने के लिए. सो ऑब्वियसली देयर इज नो डाउट दैट यू शुड टेक द एग्जाम ट्वाइस, बट मोर इम्पोर्टेंटली नाउ अब हुआ क्या है कि बहुत ज्यादा हवा मच गया फिर से इस बात का कि सर चार महीने रह गए हैं जनवरी अटेम्प्ट में, मैं क्या करूं, मैं कैसे पढ़ाई करूं. मेरा पर्पस है इस चीज को रिजोल्व करने का. वो रिजोल्व करने का पर्पस कैसा है कि बहुत जगह पे हमने नोटिस करा हो क्या रहा है, बच्चे अपने ऊपर एक जो होता है ना एक एडेड एडवांटेज जो मिलना चाहिए था उसको हटा के आप लोग अपने ऊपर एक बर्डन बना रहे हो. बहुत ज्यादा बर्डन मत बनाओ. क्यों? क्योंकि अगर आप देखो कि आपके पास चार महीने हैं तो कोई भी जेनेरिक चीज नहीं है कि फॉर्मूला नहीं है कि मैं बता पाऊं कि नहीं आपको जनवरी अटेम्प्ट देना चाहिए, आपको अप्रैल अटेम्प्ट सीरियसली देना चाहिए, क्या देना चाहिए. इसमें आप खुद से सोचो. तो फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे डॉक्टर्स बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर हमने अभी तैयारी करना शुरू करा है, क्या हमें तैयारी करते हुए अभी एक या दो महीने हुए हैं, क्या हम जनवरी अटेम्प्ट कैसे निकालें, क्या शॉर्ट ट्रिक है, क्या रास्ते हैं. तो देखो ये क्लियर बात है, आपको पता है चार महीने में तो सिलेबस कवर नहीं होने वाला. तो अगर आपका टारगेट है 200 प्लस स्कोर मारना तो हो सकता है जनवरी में वो पॉसिबल ना हो. तो जब वो पॉसिबल नहीं है तो बहुत ज्यादा उसके ऊपर टेंशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. आप अपना फोकस वापस से कहां नियंत्रण कर सकते हैं, अप्रैल अटेम्प्ट. अभी हुआ क्या, बहुत जगह एक बच्चे लोग गलती करेंगे कि वो जनवरी के लिए सारी प्रिपेरेशन शुरू कर देंगे बट दे आर एक्चुअली नॉट रेडी फॉर दैट जनवरी अटेम्प्ट, राइट. सो यू शुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल रेडी फॉर द जनवरी अटेम्प्ट, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होने वाला. सिमिलरली क्लास ट्वेल्थ पीपल, तो क्लास ट्वेल्थ के जो लोग हैं वो पहले अपनी प्रिपरेशन देखें कि क्या मेरी प्रिपरेशन अभी ऑप्टिमल है, क्या मैं अभी टेस्ट देने लायक सिचुएशन में हूं जनवरी में, मेरा क्या एटलीस्ट 80% सिलेबस कवर हो जाएगा. एंड व्हेन वी से सिलेबस कवरेज, सिलेबस कवर का मतलब ये नहीं हाँ यार ये मैंने चैप्टर एक बार देखा हुआ है. यू वांट टू बी मास्टर ऑफ दोस टॉपिक्स, राइट. तभी शायद पेपर में आप 200 प्लस या 250 प्लस स्कोर कर पाओगे, दैट इज योर टारगेट, राइट. सो ये चीजें मेजर करना बहुत जरूरी है. तो इसलिए आप अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर ना क्रिएट करो कि सर जनवरी अटेम्प्ट आने वाला है, चार महीने रह गए हैं, कैसे पढ़ाई करनी है, सर खराब हुआ है, सर रात में नींद खराब हो गई है मेरी. बहुत ज्यादा प्रेशर मत लो. जनवरी अटेम्प्ट अगर आपको लगता है जब तक आपका सिलेबस खत्म नहीं होगा कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसको आप एक तरीके से प्रैक्टिस टेस्ट के तरीके से देखिए कि जाके आपको देखना है कि यार मुझे किस एनवायरमेंट में पेपर देने को मिलेगा, मेरी स्पीड है या नहीं है. ये सब चीजें प्लीज मॉनिटर करें, वो ज्यादा जरूरी है. अदरवाइज स्टिक टू योर अप्रैल गोल. बट यस डेफिनेटली जिन लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, 11th का सिलेबस भी खत्म कर चुके थे ढंग से 11th में ही और 12th ऑलरेडी खत्म होने वाला है एक या डेढ़ महीने के अंदर, फॉर देम जनवरी इज द टारगेट, दैट इज शुड बी द टारगेट. सो पीपल हु आर एक्चुअली स्टडिंग फॉर जेई एडवांस नाउ प्लीज प्लीज बी फोकस्ड कि आपको पता होना चाहिए कि आपका अभी जो लेवल है वो आपको जेई एडवांस निकाल पाएगा नहीं निकाल पाएगा. बहुत सारे बच्चे हम लोग फैंसी में जीते हैं कि यार नहीं हमें तो एडवांस ही निकालना है, हमें एडवांस ही निकालना है. मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी क्षमता नहीं है एडवांस निकालने की. हमेशा मेजर करें आप अपने आप को प्रेजेंट सिचुएशन में रखें, क्या आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर आप एडवांस निकाल पाओगे. अगर आंसर येस है तो जनवरी अटेम्प्ट इज इट फॉर यू. तो जनवरी अटेम्प्ट आपको देना चाहिए. बट अगर आपका अभी एडवांस लेवल का प्रिपरेशन नहीं है, आप अभी जेई मेंस पे ही स्ट्रगल कर रहे हो, आपको लगता है आपका कोर्स कवरेज ढंग से नहीं हो पाएगा, डू नॉट वरी टू मच अबाउट दी जनवरी अटेम्प्ट. आप अपनी अपनी नॉर्मल स्पीड पे पढ़ाई करें, क्योंकि अगर आप ज्यादा ऊपर नीचे पढ़ाई करना शुरू कर देंगे तो आप किसी भी चीज की मास्टरी नहीं कर पाएंगे.
क्योंकि बहुत जरूरी है एक बड़ा स्कोर करने के लिए. 200-250 नंबर बनाना कोई आसान बात नहीं होती है. इट इज अ वेरी वेरी टफ जॉब. सो प्लीज रिमेंबर दैट. ऑलराइट, सो आई होप बाय दिस वीडियो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड अ बिट अबाउट योरसेल्फ. ये मैं नहीं बता सकता या कोई और टीचर या कोई और चैनल पे नहीं बताया जा सकता. ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन है कि मैं क्या जनवरी अटेम्प्ट के लिए रेडी हूं. नहीं तो मुझे अपना प्लान जैसे मैं चल रहा हूं थोड़ा इंप्रूव करना है, पर उस पर बने रहना है, ज्यादा खिचड़ी नहीं बचाना. ऑलराइट गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल. कीप वर्किंग हार्ड एज यू हैव बीन. एंड यस, डू सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू वॉन्ट रेगुलर अपडेट्स रिगार्डिंग योर मोटिवेशन, योर NTA अपडेट्स, your any updates, we'll keep you updated on that. God bless you all. Keep working hard.